हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मेरा ऑफिस कौन सा था जिससे मैं आया, कितना खर्चा लगा, कितना पैसा लगा टोटल, वीजा कहां से मिला, ऑफिस से मिला या फिर किसी दोस्त से मिला, कैसे क्या हुआ, पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे, उनके लिए स्पेशल वीडियो ये, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, मिस मत करिएगा। एक एक चीज बारीकी से मैं बताने वाला हूँ। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, उसके लिए सॉरी। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको मैं बताता हूँ एक एक चीज बारीकी से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वीजा हमको कहाँ से मिला, किसने वीजा दिया। और ये पीछे गाड़ी आ रही है सब, उसके लिए सॉरी, आवाज़ आ रहा होगा। हम चलते हैं रूम के पास, वहाँ बात करते हैं, थोड़ा आवाज़ कम आएगा। मैं ऐसे गया था किसी काम से, ये पीछे यहाँ पे, तो अभी चलते हैं रूम पे, आपको बताते हैं कि वीजा कहाँ से मिला। वीजा देखिए, मेरे को मिला, मेरे एक दोस्त हैं और भैया लगेंगे, गाँव के हैं, बड़े भैया हैं, और अभी आए थे जस्ट मेरे रूम पे थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले आए थे, चले गए, नहीं तो मैं उस समय वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो इंडिया गए थे और मैं अहमदाबाद से घूम करके आया था। उसके बाद जो है कि उनसे मुलाकात हो गई एक दुकान पे ऐसे अचानक, फिर उन्होंने हाल चाल किया। उसके बाद हाल चाल होने के बाद उन्होंने पूछा कि कब छुट्टी आए हो, कब जाओगे। उनको पता था कि मैं शायद सऊदी से आया हूँ और छुट्टी पे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं कोरोना में आया हूँ और फंस गया। तो मैंने उनको सारी बात बताई कि भैया नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं छुट्टी पे आया था और नहीं जा पाया, अभी 3 साल बैन हो गया सऊदी का। हालांकि वो भी सऊदी में थे पहले, तो उनको आइडिया पता था। तो बोले अभी क्या करना है, कहीं जाना है, हम कहें हाँ कोई वीजा वीजा दिलाइए, मिल जाएगा तो चला जाऊंगा। तो बोले ठीक है, मैं देखता हूँ। और उसके 6 दिन बाद उनका टिकट था इधर आने के लिए कुवैत में। उसके बाद दूसरे दिन सुबह मेरे को फ़ोन करते हैं, बोले कि एक वीजा है, जाओगे। हम कहें हाँ क्यों नहीं जाएंगे। बोले ठीक है, अपना डिटेल भेज दो, मैं उनको अपना पासपोर्ट, इकामा और लाइसेंस, इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट मैंने उनको सेंड किया। उन्होंने कुवैत में भेजा और कुवैत से वीज़ा निकला, मेरे पास जाने वाला था, 1 हफ्ते का टाइम था। उसी दौरान मैं ऑफिस पे फ़ोन किया, और मैं ऑफिस का नाम नहीं बताऊंगा, आपको ऑफिस का नाम जानना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक पड़ा है, वहां से आप मैसेज करेंगे तो मैं बता दूंगा कि वो ऑफिस ऐसा नहीं है कि आपको बताने लायक है, क्योंकि वो एक तरह से फ्रॉड ही है, समझ लो। अभी आगे आपको पता चलेगा क्यों मैं फ्रॉड बोल रहा हूँ। तो उसके बाद से ऑफिस वाले को फ़ोन किया कि मेरा वीज़ा आ रहा है और आपको स्टम्पिंग करवाना है, क्या खर्चा लगेगा क्या। तो बोला कि देखिए, स्टम्पिंग का, सिर्फ स्टम्पिंग करवाएंगे तो उसका 10,000 है और 25 दिन का टाइम है। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं वीज़े का इंतज़ार करने लगा और PCC के लिए दौड़ने लगा। PCC मेरा हुआ नहीं था, तो जब PCC करवाने के लिए दौड़ रहा था उस समय पे, PCC कराने में टाइमिंग मिल रहा था 2 महीने से ऊपर का। तो फिर मैं वो सोचा कि अभी वीजा आ जाएगा 1 हफ्ते में, क्या करेंगे, फ़ायदा नहीं, कुछ रुक के काम करते हैं, तत्काल में करा लेते हैं। तो मैंने एक एजेंट को पकड़ा और वो लिया उस समय 6,000। 6,000 लेने के बाद बोला कि मैं आपको 1 हफ्ते का अंदर जो है कि डेट दिलवा दूंगा। हम कहें ठीक है। 1 हफ्ते के बाद का डेट मिल गया मुझे लखनऊ का। अभी मैं लखनऊ, इधर वीजा आ रहा था मेरा और मैं इधर लखनऊ जा रहा था, इधर गया, डेट आया, पहुंचा, पहुंचने के बाद उधर मेरा पासपोर्ट ही ख़राब कर दिए सब, ऑफिस वाले पासपोर्ट ख़राब कर दिए। अभी उसमें 4 साल का वैलिडिटी था, 4 साल नहीं, 2 साल का पूरा वैलिडिटी था, क्योंकि 2024 के लास्ट में ख़त्म होने वाला था। अब ये देख सकते हैं मेरा पासपोर्ट, इस पर देखिए होल कर दिए साले, ये होल मार दिए सब, और इसके वजह से ये पासपोर्ट ख़राब हो गया, और अंदर ये मोहर भी मार दिए सब कि ये पासपोर्ट पूरी तरह से ख़राब है। हुआ क्या कि जो बंदा उसमें काम कर रहा था, और मैं जौन से काउंटर पे गया था, वो काउंटर वाले ने बोला कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, जो ऑनलाइन किया था मेरा PCC के लिए, वो एक गड़बड़ कर दिया था कि मेरे पासपोर्ट में था कि मैं अभी सिंगल हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ, और वो शादीशुदा, उसको पता था कि मेरी शादी हो चुकी है, तो उसने शादीशुदा ऑनलाइन कर दिया, पासपोर्ट नहीं देखा। फिर अभी वही गलती था, तो अधिकारी ने बोला कि इसको सुधार करो या तो दूसरा डेट लेके आओ। मैं बोला कि अरे भाई, कहाँ से दूसरा डेट लूँ, तत्काल करा के आया, क्योंकि मेरा वीजा अभी आ जाएगा आजकल में। तो बोल रहा है कि नहीं, या तो तत्काल कराओ, दूसरा डेट लो, नहीं तो एक एप्लीकेशन लिखो कि मेरी शादी नहीं हुई है, ऐसे ऐसे। मैं बोला ठीक है, आप बताओ। वो बोला, मैं उसी हिसाब से लिखते गया। लिखने के बाद बोला, ये फलाना काउंटर पे जाओ, वहाँ देकर ऐसे ऐसे फाइल नंबर लगवा लो। अभी मैं जा रहा था, तब तक वो बोला कि ऐसा तुम रहने दो, और एक चपरासी को बुलाया, बोला कि ये लेके जाओ, ये करा के लाओ। बोला कि तुम मत जाओ, तुम जाओगे तो बहुत टाइमिंग लग जाएगा। हम कहें चलो ठीक है। वो चपरासी ने गलती किया और पता नहीं क्या किया, कैसे पासपोर्ट मेरा कैंसिल कर दिया।
फिर बाद में पता चला हम उसके साथ बहुत लफड़ा हुआ, पूरे पासपोर्ट ऑफिस में बहुत बवाल हुआ। तो जो पासपोर्ट ऑफिस का मेन अधिकारी होता है APO, उसको मैंने बोला ऐसी सी बात है, तो बहुत वो भी डांटा उसको। फिर लास्ट में मेरे को बोला कि भाई आप एक काम करो, दूसरा ऑनलाइन करो और आपका पासपोर्ट मैं नया बना के दूंगा 5 दिन में। तो अभी क्या कर सकता हूँ, बहुत कुछ हुआ। फिर मैं बोला चलो जाने दो, छोड़ दिया। मेरा वीजा जो पहले वाला था खराब हो गया। कुवैत का अगर जो पासपोर्ट खराब या खो गया तो वीजा भी खराब, सोच लीजिए। कुवैत का वीजा जो है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, यहाँ का रूल रेगुलेशन बहुत टाइट है। तो अभी मैं यहाँ पे फोन किया, जो वीजा दिया था मेरे गांव वाला नहीं, जो वीजा मेरे गांव वाले को जिन्होंने दिया था वो, उसको मैंने फोन किया। तो वो बोल रहा है कि भाई देखो पैसा जो तुमने दिया है वो पैसा तो मैं वापस नहीं करूंगा, तुम्हारी गलती है। मैं बोला पैसा नहीं चाहिए मेरे को कपिल से बोलो कि दोबारा वीजा निकाले, ऐसी सी बात है। तो मैं बोला, तो फिर वो बोला अच्छा ठीक है बोलता हूँ, कपिल को बोला। फिर मेरा कपिल बोला दूसरा वीजा निकालूंगा, लेकिन जो टिकट का पैसा है वो पैसा नहीं दूंगा मैं। अभी वो टिकट का पैसा वो लेने वाला, टिकट का पैसा जो वीजा दे रहा था वो लेने वाला था, तो उसके लिए बैड लक था कि उसको मेरा वीजा खराब हो गया, दूसरी बार निकालने के लिए कपिल पैसा ही नहीं दिया। तो अभी मेरे को ये 2 बार PCC करवाना पड़ा, पासपोर्ट बनाना पड़ा, इसके वजह से जो है मेरा तकरीबन 30-35 हजार एक्स्ट्रा लग गया। अभी वीजा आपको पता चल गया कहाँ से मिला। दूसरी बात, जो ऑफिस वाला था जिससे मैंने बात किया था कि हाँ कि स्टंपिंग का कितना लगेगा और मेडिकल कराना है, तो बोला ठीक है 10 हजार बोला था। जब मैं वीजा आ गया दूसरी बार, वो तो वीजा खराब हो गया पहला वाला, दूसरा वीजा आया, फिर मैं PCC मेरा हो गया, होने के बाद उसके पास गया मैं, तो बोला ठीक है मेडिकल करा लो। तो ऑनलाइन करवाया, 1200 रुपये लगे, और लखनऊ का एक हॉस्पिटल वहाँ मैंने कराया अपने, वो एजेंट का कोई उसमें हाथ नहीं, मैं खुद गया, खुद ऑनलाइन करवाया, खुद गया हॉस्पिटल में और अपना वीजा उजा, क्योंकि वीजा मैं अपने घर पे मंगाया था ना कि ऑफिस में। उधर जाने के बाद सब मेडिकल वगैरह करा लिया, PCC हो गया। फिर ऑफिस वाले को बोला कि स्टंपिंग करवा दो, तो बोला ठीक है। मैं उसको 10 हजार दे दिया और उसको मेडिकल स्टंपिंग ले, आपका मेडिकल चाहिए और PCC चाहिए, दोनों दे दिया, पासपोर्ट दे दिया। फिर वो बोला 25 दिन का टाइम लगेगा, हम कहे ठीक है। अभी 25 दिन हो गया, मैं इंतजार करके करके थक गया। फिर मैं उसको बोला कि भाई कब होगा, 25 दिन तो पूरे होंगे। तो बोल रहा भाई अभी बहुत दिक्कत हो रहा है और हो नहीं पाएगा, आप बोलो तो पासपोर्ट मैं वापस कर दूं। हम कहे पागल है क्या, 25 दिन तू रखा, फिर इंडिया मुंबई से आने में यूपी में पासपोर्ट लगेगा, पोस्ट ऑफिस से आएगा 1 हफ्ता दिन लग जाएगा। ऐसे चला गया 1 महीना से ऊपर, उसके बाद मैं दूसरे को दूंगा, वो बोलेगा हाँ ये वो, कितना दिन वो टाइम लेगा तू बता। तो लास्ट में कुल मिला के पैसे के लिए वो 10 बोला था, उसको लेना था और अब पासपोर्ट भेजा ही नहीं था, अपने पास ही रखा था, मुझे बाद में पता चला। फिर मैं बोला कि अच्छा ठीक है बता कोई उपाय बता। बोला कि हाँ ज्यादा पैसा लगेगा। हम कहे ठीक है कितना ज्यादा लगेगा, बोला मैं बात करके बताता हूँ। फिर मेरे को आधे घंटे बाद फोन किया, बोल रहा भाई 18 हजार लगेंगे। हम कहे 18 हजार, बोला हाँ 18 हजार लगेंगे, तत्काल में चाहिए तो, और 25 दिन का टाइम और चाहिए। हम कहें देखो ये अब क्या करें, 10 दिया था मैंने, बोला ठीक है काम कराओ, 8 होने के बाद दूंगा। उसके बाद 25 दिन का और टाइम लिया और आप ये देख सकते हैं मेरा वीजा स्टंपिंग इस तरफ से हुआ था, आपका भी होगा कुवैत का तो इसी तरह से होगा। तो इसमें देख सकते हैं 4-4 डेट दिख रहा आपको, अप्रैल का है, अप्रैल में हुआ था मेरा। तो उसके बाद होने के बाद फिर टिकट मैंने खुद निकाला, स्टंपिंग होके आ गया, टिकट मैंने खुद निकाला। उसके बाद मैंने आरटीपीसीआर उसको बोलते हैं, PCR बोलते हैं, वो जो कोरोना का वैक्सीन का टेस्ट होता है वो मैंने कराया, टिकट मैंने लिया। तो कुल मिला जुला के मेरा ऑफिस खर्चा आया था 20 हजार और मेडिकल का लगा था मेरा 10 हजार के करीब, 30 हजार हो गया। और उसके बाद से मैंने तत्काल कराया था 2 बार PCC, एक बार 6 हजार, एक बार 10 हजार, 16 हजार ऐसे चला गया। और पासपोर्ट ऑनलाइन करवाए, सब टोटल मैंने जोड़ा था 1,10,000 और वीजे के लिए मैंने 10 हजार दिया था, टोटल मिला के 1,10,000 मेरा हुआ था इधर आने को। हाँ अब बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे कि सैलरी कितना है, तो सैलरी आप जिसको भी जानना है, यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज करेंगे तो वहां पे मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कितना सैलरी है और कितना क्या क्या मिलता है मेरे को। अब आपको जिसको भी जानना है वो कमेंट करके और या फिर मेरे जो है कि इंस्टाग्राम के मैसेज पे मैसेज करें तो मैं उसको बता दूंगा। तो बस सिंपल था, और किसी ऑफिस से मैं नहीं आया, बस ऐसे मैंने बस स्टंपिंग करवाया था ऑफिस से। अगर जो वो मेरे हाथ में होता तो वो भी मैं करा लेता, क्योंकि स्टंपिंग कराने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, आपको एक गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस होता है और जो रजिस्टर्ड होता है वही करा सकता है।
तो इसीलिए जो है वो ऑफिस वाले को देना पड़ा, नहीं तो मैंने मेडिकल खुद करवाया, पीसीसी एजेंट को दे के तत्काल करवाया था, मतलब डेट लिया था, टिकट मैंने खुद निकाला था अपने पैसा दे करके टिकट वाले के यहाँ से, ORTPCR मैंने खुद कराया था, बस हो गया। कोरोना वैक्सीन आपको ऐसे नॉर्मली सबको लगा ही होगा इंजेक्शन। पूछ रहे थे ऑफिस का नाम बताओ, तो ऑफिस का नाम जिसको भी जानना है कि कौन सा ऑफिस था जहाँ पे मैंने स्टंपिंग करवाया था, वो आप लोग मैसेज करिए, मैं आपको बता दूंगा। ऐसे तो मैं उसका अभी बोलूंगा तो आप चार लोग जितने लोग वीडियो देखेंगे सब लोग पता चलेगा, और मैं चाहता नहीं कि उसका जो है कि मेरे वजह से और दो चार लोग उसके पास जाएं और फंसे। बड़ा ऑफिस है, तो बस यही था भाई किसी ऑफिस से। मुंबई भी गया था तो मुंबई ऑफिस से मैं, मेरा वीजा ऐसे किसी ने भेजा था मेरे रिश्तेदार ने, तो ऑफिस वाले ने सिर्फ जो है कुछ पैसा लिया था टिकट उकट मेडिकल कराने का, 2014 की बात कर रहा हूँ, मुंबई का ऑफिस था और उसका मैं नाम बता सकता हूँ, वो ट्रेड फास्ट करके था, ठीक है वो, क्योंकि ऑफिस वाला बहुत अच्छा था, ये ऑफिस वाला अच्छा नहीं था इसके लिए मैंने इसका नाम नहीं लिया। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।